स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में, मैं आपके साथ सिमर। लीजिए साहब, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण में गड़बड़ी को देखते हुए इस पर रोक के लिए अदालत से दूसरा आदेश भी आ गया है। हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ जैसा ही एक आदेश इंदौर खंडपीठ ने दिया है। सोमवार को जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि बार बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षण करना अन्य वर्ग को चुनाव से वंचित रखना है। निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया में रोटेशन पॉलिसी का पालन होना चाहिए। कोर्ट के इन आदेशों के बाद राज्य में नगरीय निकाय चुनाव एक बार फिर अटकने की अटकलें तेज हो गई। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आरक्षण में गड़बड़ी जानबूझकर की गई सियासी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष खुद नहीं चाहता है कि अभी निकाय चुनाव हो। आपको बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने मुरैना उज्जैन की दो नगर निगम सहित 81 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के महापौर अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। आरक्षण को चुनौती देने वाली ऐसी ही एक याचिका पर इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया। एक पार्षद नरोत्तम चौधरी और एक पूर्व पार्षद सुरेंद्र कुमार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षित की गई सीटों पर लंबे समय से चले आ रहे आरक्षण को दोहराया गया है। इसमें रोटेशन है ही नहीं। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि रोटेशन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। दोनों खंडपीठों में दायर याचिकाओं में यही बताया गया है कि एक निकाय में लगातार एक ही वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी।